अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा होगा कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस, टू हाउ टू मेक मनी फ्रॉम टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस। तो हम किस तरह जो है वो मेक मनी, मकसद पैसे अर्निंग करते हैं टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस से, इसका क्या क्राइटेरिया होता है और क्या तरीकाकार होता है, किस तरीके से हम इससे पैसे कमा सकते हैं, क्या ये अवेलेबल अपना अवेलेबल है पाकिस्तान में या नहीं। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आपको बताता चलूँ, इसके मैंने काफ़ी इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ, लेकिन हमारे जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं, जो मुश्किल इस अपना इफ़ेक्ट्स हैं एसेट्स वाले, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द शुरू करूँगा। लेकिन वो वक्त शुरू करूँगा जब मुझे पता लगेगा कि वाकई में लोग शौक रखते हैं इस चीज़ का। देखिए, हर बंदा वो काम, क्योंकि आपको बताता चलूँ, इस काम में जितनी मेहनत है वो आपको मैं नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप इनकी ज़्यादातर आप सर्च भी करें गूगल्स पे या आगे पीछे, आपको बहुत कम इसके ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। और इसमें ये नहीं है कि अर्निंग नहीं है, लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस से आप एक तो बेहतरीन अर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने टिकटॉक की जो ग्रोथ है उसको भी आप बेहतरीन तरीके से, उसमें आप फॉलोवर्स इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी वीडियोस को फॉर यू और वायरल भी आप इसी के ज़रिए कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं होता, क्योंकि आप वैसे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आपको तो लाजमी टिकटॉक इफेक्ट हाउस से जो है आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, आपको उसने आप जो है अपना जो माइंड जो होगा उसको फ्रेश करें, उसको देखें, उसको समझें, उसके बाद आपने उस पर जो है सारा वर्क करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक मेरी इस वीडियोज़ को लाइक नहीं किया, तो आप पहले इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट होने वाली है। और कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और इस तरह की जितनी भी ट्यूटोरियल्स, इंशाल्लाह आपको आगे एक से एक ट्यूटोरियल्स में आपको देता रहूँगा। और इससे पहले कि आपको वो अपडेट्स हों, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आपने इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो उसके बाद हम जो है अपना वर्क शुरू करते हैं। अभी मैं आपको जो पहली चीज़ है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं कि हम इससे किस तरह अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा इफ़ेक्ट्स से कि हम किस तरह इफ़ेक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैंने इफ़ेक्ट्स जो बनाए हैं, ठीक है, मैंने जो पब्लिश किए हैं वो हैं 5,13,158, जो कि व्यूज़ आ चुके हैं सिर्फ ज़्यादा नहीं 5 से 6 दिनों में, ये मेरे व्यूज़ हैं। पोस्ट मेरी 5,369। अच्छा, और नीचे लाइक्स आए हैं 38,816। ठीक है, ओपन्स हुए हैं 4,66,674, शेयर हैं 2,550। तो ये चीज़ हैं, ये मेरे टिकटॉक इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो पब्लिश हुए हैं। नीचे मैंने सारे क्रिएट किए हैं, जो सबमिट भी हो चुके हैं, बकायदा टिकटॉक ने एक्सेप्ट किए हैं और इस वक्त वो मेरे चल रहे हैं। अब यहाँ सारी हमारे पास डिटेल्स दी होती है, व्यूज़ हैं, पोस्ट हैं, ओपन्स हैं, लास्ट मॉडिफाइड स्टेटस है, ठीक है, इफेक्ट नेम्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये मैं इंशाल्लाह मैं सब आपको गाइड करूँगा, कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको सब गाइड करूँगा। लेकिन आपको ये टिकटॉक इफेक्ट हाउस बहुत फ़ायदा देगा अगर तो आप अभी तक छोटे, और आपको बताऊँगी जितने भी बड़े टिकटॉकर्स हैं, जितने भी बड़े, वो सब जैसे हमें क्रिएटर हमसे ख़रीदते हैं, वो ख़रीद के अपनी आईडी पे पब्लिश करते हैं, जिसको लोग यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट्स को। जब आपके नाम से, जब आपका अपना इफ़ेक्ट्स होगा, आपका अपना इफ़ेक्ट्स यूज़ होगा, तो दुनिया आपके इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल जब करती है तो आपका नाम आता है। तो ये चीज़ टिकटॉक इफ़ेक्ट्स में है, ठीक है। ये आपको मैंने अपने इफ़ेक्ट्स बताए हैं, बाकी आगे भी बहुत चीज़ें होती हैं। अब मैं आता हूँ बेजेस पे। बेजेस का मतलब होता है, सपोज आप मेरी आईडी पे भी चेक करें तो शाम 40 पे आपको नज़र आ जाएगा। जिन भाइयों ने मेरे अभी तक टिक टिक टिकटॉक चैनल को लाइक नहीं फॉलो नहीं किया, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक भी दी है। आप जाएं मेरे टिकटॉक जो है चैनल पे, उस पे आईडी पे जाएं, वहाँ उसको फॉलो भी करें और लाइक भी करें, और मेरे इफ़ेक्ट्स को भी देखें जो मैंने पब्लिश किए हुए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो। और मेरी जो
आईडी की जो प्रोफाइल है उसको भी देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेजेस का क्या मतलब होता है। अच्छा, ये यहाँ मेरे को गोल्डन बेज मिल चुका है, अब मेरी सिल्वर की बारी है। इसी तरह मुझे ये सारे बेजेस मिलते रहेंगे, ठीक है, बेजेस मिलते हैं, ये सब मैंने एक्सेप्ट करने हैं, जितने मैंने कुछ कर लिए हैं, ठीक है, ये जैसे मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, इसी तरह मुझे ये बेजेस मिलते रहेंगे। उसके बाद हम अर्निंग कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको क्रिएटर रिवार्ड्स पे आपको बताता चलूँ। ये क्रिएटर रिवार्ड्स होते हैं, यहाँ आपको अप्लाई करना होता है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो, आप अपने इस इफ़ेक्ट से अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। कैसे करोगे, आपने इफ़ेक्ट्स पब्लिश करने होते हैं, पब्लिश करने के बाद उससे आपका जो चैनल होगा वो खुद भी मोनेटाइज होगा। लेकिन एक इफ़ेक्ट्स अगर आपको 500 केस पे चल जाता है तो आपको $700 मिलते हैं क्रिएटर रिवार्ड्स पर, मतलब 7.5 लाख पाकिस्तानी आपको एक इफेक्ट पे मिल जाते हैं। इसी तरह आप जितने भी इफेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे उस हिसाब से ये आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है गाइज। तो ये हैं हमारे इफेक्ट्स के कुछ जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं कि हम इसमें अर्निंग किस तरह करते हैं। तो ये आपको अर्निंग का जो स्टेप था ये था। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी गाइड करूंगा कि टिकटॉक सबमिट का क्या तरीकाकार होता है, किस तरह सबमिट होते हैं, किस तरह बाकी हमारी जो सेटिंग्स होती हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसमें गाइड करूंगा। लेकिन फर्स्ट आप भाइयों की सपोर्ट बहुत लाजमी है, तो अभी तक जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया वो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप भाइयों तक रोज आपको मिलें और आप उनसे फायदा उठाओ और दूसरे भाइयों को भी आप उनसे फायदा उठाने का मौका दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।